हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग लखनऊ के प्रसिद्ध चित्रकार एलम सेन के विषय में पढ़ेंगे। एलम सेन जो थे, ये लखनऊ के प्रसिद्ध चित्रकार थे और लखनऊ के कलाकार को हम उत्तर प्रदेश के कलाकार भी कहते हैं। तो इनसे प्रश्न बस यही बनेगा कि ये कहाँ के चित्रकार हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, इनके गुरु कौन थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की तथा शिक्षण कार्य कहाँ किया है, और इनके कुछ प्रमुख चित्रों को भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इनका पूरा नाम जान लेते हैं, क्योंकि जितने भी ये कलाकार हैं ना, अगर 60 नेम है तो उनका पूरा नाम अवश्य जान लीजिए आप लोग, क्योंकि पूरा नाम पूछ लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। तो एलम सेन का पूरा नाम क्या है? ललित मोहन सेन पूरा नाम। ये लखनऊ शैली के कलाकार हैं, लखनऊ। इनका पूरा नाम ललित मोहन सेन है। और मोहन सेन इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका नादिया में हुआ था। और नादिया कहाँ है? जन्म नादिया में, नादिया पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है नादिया। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इनका पूरा नाम ललित मोहन सेन है। इनका जन्म नादिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1954, इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी लखनऊ में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो शिक्षा इन्होंने लखनऊ कॉलेज से प्राप्त की थी। लखनऊ कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन थे? गुरु की बात करें तो गुरु नेथेनियल हर्ड थे। इनके गुरु नेथेनियल नेथेनियल हर्ड जो थे, ये इनके गुरु थे, जो कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य थे। हर्ड थे जो कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य थे। इनके गुरु और इनके द्वितीय गुरु कौन थे? असित कुमार हलदार इनके द्वितीय गुरु थे। ये प्रथम गुरु थे और द्वितीय गुरु इनके असित कुमार हलदार थे। अब यहां से भी प्रश्न आएगा कि ललित मोहन सेन या एलम सेन के गुरु कौन थे? अगर गुरु की बात आए और ऑप्शन में नेथेनियल हर्ड तथा असित कुमार हलदर,
दोनों दिया रहे तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम नेथेनियल हार्ड पर टिक करेंगे। और जब असित कुमार नेथेनियल हार्ड नहीं रहेंगे तभी हम असित कुमार हल्दर पर टिक करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम नेथेनियल हार्ड को देंगे और जब नेथेनियल ऑप्शन में नहीं है तब हम असित कुमार हल्दर पर टिक करेंगे। इसको आप लोग प्रश्नों के माध्यम से भी जान लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इनके गुरु, क्योंकि इनके गुरु इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब इनकी प्रसिद्धि हम देख लेते हैं कि इनकी प्रसिद्धि क्या थी। और प्रथम भारती, अगर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य की बात आए कि प्रथम लखनऊ कॉलेज ऑफ पार्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य असित कुमार हल्दर थे। और द्वितीय भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? एल एम सेन। यही प्रश्न अगर बने कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे, अगर पूछा कि प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे तब तो नेथेनियल हार्ड, लेकिन जब पूछ लिया कि प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे तब हो जाएंगे हमारे असित कुमार हल्दर। और एल एम सेन जो थे ये द्वितीय प्रधानाचार्य थे, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के द्वितीय प्रधानाचार्य थे। अब इनकी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को हम देख लेते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है। तो प्रसिद्धि ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। प्रसिद्धि की बात का अगर हम करें तो प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में और ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में। ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और ग्राफिक आर्टिस्ट थे। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात आए कि इनकी मुख्य प्रसिद्धि क्या थी, तो मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे, मुख्य प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में थी। मुख्य प्रसिद्धि की बात आए तो ये मुख्य रूप से क्या थे? चित्रकार थे। प्रश्न मैंने की ललित मोहन सेन क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे या उपर्युक्त सभी? तब हम क्या लगा देंगे? उपर्युक्त सभी लगा देंगे। लेकिन अगर प्रश्न बने कि ये मुख्य रूप से क्या थे, ललित मोहन सेन मुख्य रूप से इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है, तो प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में है। फिर इनकी मुख्य प्रसिद्धि, इनके ऊपर प्रभाव किसका है, प्रभाव किसका है, तो प्रभाववाद का प्रभाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ शैली के जितने भी कलाकार हैं ज्यादातर सभी के ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव है। प्रभाववाद का इनका ऊपर प्रभाव है। और इनका माध्यम क्या था? माध्यम इनका जल रंग, टेम्परा, वास। इनके माध्यम की बात करें तो माध्यम इनका क्या था? जल रंग था, टेम्परा था, वास था, वास था और पेस्टल था, वास और पेस्टल। इनका माध्यम था। लेकिन अगर मुख्य माध्यम की बात आए, यहां भी देखिए आप लोग कि मुख्य माध्यम इनका क्या था, तो वास था। वास था। यहां से भी प्रश्न अगर बने कि
ललित मोहन सेन का माध्यम क्या था? तो जल रंग दिया रहा है, टेम्परा दिया रहा है, वास दी वास पेस्टल दिया रहा, उपयुक्त सभी दिया रहा है, तो उपयुक्त सभी, लेकिन अगर मुख्य माध्यम की बात आए तो वास है, इनका मुख्य माध्यम था। इन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो इनका पूरा नाम हम लोग जान लेंगे कि इनका पूरा नाम ललित मोहन सेन था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, नादिया के बंगाल में हुआ था, और इन्होंने इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। ये लखनऊ लखनऊ कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और इनके गुरु थे नेथेनियल हर्ट, जो कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य थे, और द्वितीय गुरु इनके असित कुमार हलदार थे। ये इनकी प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, और आर्ट ग्राफिक आर्ट के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन मुख्य प्रसिद्धि इनकी चित्रकार थी। इनके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव था। इनका माध्यम जल रंग, टेम्परा, वास, पेस्टल था, लेकिन मुख्य माध्यम इनका क्या था? इनका मुख्य माध्यम जो था वो वास था। यहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है सभी के सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जो भी पढ़ाया जा रहा है सब एंथेटिक बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आपको, जिसका आंसर आपको गलत बताया जा रहा हो। इसलिए आप लोग यहाँ पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रश्न अगर रहता है तब भी उसको मैम जो है तुरंत सॉल्व करा देती हैं। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल से बने रहिए, और हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन कोचिंग के विषय में तो आप लोग जानते ही हो कि कैसे यहाँ पे कोचिंग चलती है, कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग प्रयागराज आइए और यहाँ से सफलता ले करके ही जाइए। प्रावधिक की क्लास भी हमारे यहाँ 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, उसमें 15 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग भरोसा करके पढ़िए इसको, और यहाँ से 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में जा करके पढ़ाया जाता है, बस उतना पढ़ाया जाएगा जितना आप लोगों के लिए सफिशियंट हो। तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल पे लगातार बने रहिए। और यलियम सेन ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में, ये लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में ऑफ आर्ट में ग्राफिक कला की शुरुआत की थी। ये लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक कला ऑफ आर्ट की शुरुआत की थी। यलियम सेन जो थे इन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक कला ऑफ आर्ट की शुरुआत की थी। ग्राफिक कला की शिक्षा इन्होंने कहां से ली थी? तो रॉयल अकादमी, जो कि कहां है? लंदन में।
ग्राफिक की शिक्षा रॉयल अकादमी। जो कि कहाँ है? लंदन में है। यहाँ से इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा ली थी। और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या थे? द्वितीय प्रधानाचार्य थे। इन्होंने इंडियन हाउस लंदन की दीवारों पर, इसको नोट करके आप लोग लिखिए कि इन्होंने इंडियन हाउस हाउस लंदन के दीवारों पर बहुत चित्र बनाए थे। ये इम्पॉर्टेंट बनता है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन्होंने इंडियन हाउस लंदन की दीवारों पर बहुत से चित्र बनाए थे। अब इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? बी एन जिज्जा प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्यों में बी एन जिज्जा, ईश्वरी सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, आर्यस बिष्ट, इनके प्रमुख शिष्यों में बी एन जिज्जा, ईश्वरी सिंह, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर और एच एल मेव। और एच एल मेव जो थे ये इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी प्रमुख चित्र क्या थे? अब हम इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र कौन थे? इनके प्रमुख चित्रों में पहला इनका चित्र था सोच में डूबी, भारतीय स्त्री, बालिका। दूसरा चित्र इनका है बालिका, तीसरा इनका चित्र है पनिहारिन, पनघट की वापसी, पनघट से वापसी, पहला इनका चित्र सोच में डूबी भारतीय स्त्री, बालिका, पनिहारिन, पनघट से वापसी, स्नाना घाट। ये इनके प्रमुख चित्र थे। अब हम इनके छापा चित्रों की बात, छापा चित्रों को देखते हैं। तो इनके छापा चित्र कौन थे? तो छापा चित्र जो इनको थे
वो रविंद्र की मुखाकृति। छापा चित्र, रविंद्र की मुखाकृति। एक तो इनका था रविंद्र की मुखाकृति, और दूसरा इनका जो छापा चित्र था वो था श्रीनगर की एक गली। श्रीनगर की एक गली एलएम सेन का है, और कश्मीर की गली, कश्मीर की एक गली किसका चित्र है? कश्मीर की एक गली। कश्मीर की एक गली ये किसका चित्र है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि कश्मीर की एक गली किसका चित्र है। ये जो रविंद्र की मुखाकृति इन्होंने बनाई है उसको इन्होंने बुडकट टेक्निक में बनाई है। इसको इन्होंने किस में बनाई है? बुडकट टेक्निक में। और श्रीनगर की एक गली जो है ये लीनो कट टेक्निक में बनाई है, लीनो कट। लीनो कट टेक्निक में बनाई है। ये इनके छापा चित्र थे, और इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी। मूर्ति मूर्ति की बात करें तो मूर्ति इनकी जो थी वो थी अशोक वाटिका। अशोक वाटिका इसको संगमरमर में बनाया है। अशोक वाटिका जो है ये संगमरमर में बनाया गया है। और इसको नोट करके आप लोग लिखिए कि ये अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी। ये एक ऐसे कलाकार थे जो कि अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी। तो ये थे लखनऊ के प्रसिद्ध चित्रकार एलएम सेन, जो कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक कला ऑफ आर्ट की शुरुआत की थी, और ग्राफिक की शिक्षा इन्होंने रॉयल अकादमी जो कि लंदन में है वहाँ से ली थी। इन्होंने इंडियन हाउस लंदन की दीवारों पर बहुत से चित्र बनाए थे, ये इम्पॉर्टेंट बनता है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? बी एन जिज्जा, ईश्वरी सेन, आर एस बिष्ट, मदन लाल नागर और एच एल मेड़ इनके प्रमुख शिष्य थे। और प्रमुख चित्र इनके कौन थे? सोच में डूबी भारतीय स्त्री, बालिका, पनिहारिन, पनघट से वापसी, स्नाना घाट। छापा चित्र रविंद्र की मुखाकृति इन्होंने बुडकट टेक्निक में बनाई है, तथा श्रीनगर की एक गली इन्होंने लीनो कट टेक्निक में बनाई है, और मूर्ति अशोक वाटिका जिसको इन्होंने संगमरमर में बनाया है। ये आजीवन अविवाहित थे, और कश्मीर की एक गली एक किसका चित्र है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए था करिएगा। तो ये थे लखनऊ के प्रसिद्ध चित्रकार एल एम सेन। आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तथा अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।